तो गाइज आखिरकार टाटा मोटर्स ने अपने टाटा सफारी और हैरियर का एक साथ नया फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया। लेकिन गाइज अगर बेसिकली बात करें तो ऑटो एक्सपो 2023 पर लॉन्च की गई इन दोनों ही कार्स का नया फेसलिफ्ट जो है वो फेसलिफ्ट नहीं बल्कि एक नया एडिशन है, जिसको भाई आप एडिशन ना बोलकर अगर फेसलिफ्ट बोले तो दोनों ही कार्स के लिए भाई बेहतरीन होगा, क्योंकि गाइज इन दोनों ही पर अवेलेबल जितने भी फीचर को डाल दिया गया है भाई एडिशन के साथ में जो फीचर जो डाला गया ना वो आने वाले हैरियर पर भाई होने वाले, मतलब गाइज एंड ऑफ द ईयर 2023 पर जो नया हैरियर का फेसलिफ्ट आने वाला है भाई उस पर मौजूद जितने भी फीचर है वो भाई इस एडिशन पर आपको मिलने वाली है। मतलब अगर आपको भाई हैरियर का एक प्रॉपर फेसलिफ्ट चाहिए तो उसके लिए भाई एंड ऑफ द ईयर इस साल के आखिर तक आपको वेट करना होगा। लेकिन अगर गाइज आपको अभी के अभी हैरियर का फेसलिफ्ट चाहिए तो भाई उसके लिए आप इस शानदार एडिशन को ले सकते हैं, क्योंकि गाइज इस पर वो सभी फीचर मौजूद है जो आपको भाई आने वाले हैरियर के फेसलिफ्ट पर भाई मिलेगी। इनफैक्ट दोस्तों इस मॉडल पर यानी कि इस एडिशन पर आपको भाई एडास भी मिलती है। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं नए वाले हैरियर के नए एडिशन के बारे में, जो भाई आसानी से एक्सयूवी 700 को भी बीट कर सकती है काफी मायने पर, जो भाई आप सब लोगों को इस वीडियो में क्लियरली पता चल जाएगा। दोस्तों इस कार को अगले महीने यानी कि भाई फरवरी से आप सब लोग डीलर्स के पास में अवेलेबल देखने को मिल जाएगी और गाइस आप ले भी सकते हो, मतलब गाइस काफी जल्द ही ये कार आप सब लोगों के पास में होगी। इस नए एडिशन को नाम दिया टाटा मोटर्स ने रेड डार्क एडिशन, और इसके पीछे का रीजन है दोस्तों इसका कि एक्सटीरियर फुल्ली ब्लैक है और इसका कि इंटीरियर फुल्ली रेड है, और गाइस काफी कमाल के प्रीमियम और भाई लग्जरी वाली फील आती है, और भाई लग्जरी वाला प्रीमियम वाला फील आप सब लोगों को देने के लिए काफी कमाल के फीचर को भी डाल दिया गया और भाई कंफर्ट को भी बढ़ा दिया गया है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जो कि काफी ज्यादा एडवांस बना दी गई है, और भी काफी सारे नए कमाल के फीचर को डाल दिया गया है। 7 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है, फुली डिजिटल कर दी गई है, अब भाई एनालॉग वाला सीन खत्म हो चुका है। आप सब लोगों को 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जो भाई इस सेगमेंट के सबसे भाई होना चाहिए था, जो आज तक भाई टाटा हैरियर पर मिसिंग था। 200 प्लस वॉइस कमांड मिलते हैं, वो भी 6 अलग अलग लैंग्वेज के साथ। इसके साथ दोनों ही कार्स को भाई हाई साउंड क्वालिटी के लिए 9 JBL के स्पीकर्स दिए गए, जो कि काफी ज्यादा कमाल का प्रीमियम वाला फील करवाती है। साथ दोनों कार्स की ड्राइवर सीट 6-वे पावर एडजस्टेबल और साथ में वेलकम फीचर के साथ आती है, मतलब गाइस कार को खोलते ही आपको भाई एक कमाल का प्रीमियम वाला फील आ जाएगा। इसके साथ आपको हैरियर के दोनों ही फ्रंट की सीट्स भाई वेंटिलेशन के साथ में आएगी, और भाई अगर आप टाटा सफारी के कैप्टन सीट वाला वेरियंट लेते हैं तो भाई वहां पर आपको सेकेंड वाला सीट भी आपको भाई वेंटिलेशन के साथ मिलता है, मतलब गाइस कमाल का फील आपको सब लोगों को सफारी के सेकेंड वाले सीट में भी मिलेगा। इसके साथ दोनों ही कार्स के पैनोरामिक सनरूफ पर भी भाई आपको मिलती है एम्बिएंट लाइटिंग, वो भी भाई आपकी मूड हिसाब से आप चेंज कर पाओगे, तो भाई इससे कमाल की फीचर आपको और क्या चाहिए। और भाई जब पहली बार टाटा मोटर्स एक नए एडिशन पर इतना कमाल का फीचर को ऐड किया तो भाई डेफिनेटली जो सेफ्टी है उसको भी इंक्रीज करना बनता है। गाइस ये बात तो आपको मालूम है कि गाइस टाटा सफारी और हैरियर को रेंज रोवर वाले प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की मजबूती के साथ आती है। लेकिन गाइस फीचर के मामले में अभी थोड़ी सी कमी थी इन दोनों कार्स पर, जो भाई अब पूरी हो चुकी है, और उसमें भाई सबसे पहले तो 6 एयरबैग डाल दी गई है, साथ दोस्तों अब आपको मिलती है एडास, जिसके लिए भाई एक्सयूवी 700 को भाई लोगों ने भाई अपने दिलों पर राज करने के लिए बैठा लिया था। अब गाइस टाटा के सफारी और हैरियर पर भी ये कमाल का फंक्शन डाल दिया गया, मतलब गाइस एडास डाल दिया गया, और एडास भाई केवल एडास नहीं बल्कि एडास को 17 अलग अलग फंक्शन के साथ में डाला गया, जिसमें गाइस आप सब लोगों की सेफ्टी और आप सब लोगों की जो क्वालिटी है, आप सब लोगों की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो काफी ज्यादा कमाल का बढ़ जाने वाला है। इसके साथ दोस्तों अब आपको एडास के साथ में मिलती है 60+ एक्टिव सेफ्टी फीचर, जो भाई हमेशा आपके कार पर एक्टिवेट रहेगा, जो कि आपको काफी ज्यादा कमाल का सेफ भी रखेगा और काफी कमाल की एक्सपीरियंस भी देगा। और गाइस अगर आप इस कार को लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप अगले महीने से इस कार को बुक करवा सकते हो और गाइस जल्द ही अपने घर भी ला सकते हो। लेकिन गाइस अभी भी आपको टाटा सफारी और हैरियर पर 2 लीटर की डीजल इंजन ही मिलेगी 170 हॉर्स पावर और लगभग 350 Nm के टॉर्क के साथ में। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके पेट्रोल लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर सोच रहे भाई टाटा मोटर्स जल्दी इस कार के पेट्रोल को लॉन्च कर दे, तो भाई आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी होने वाली, क्योंकि गाइस यहां पर टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 पर अपने 1.2 लीटर के GDI पेट्रोल इंजन और साथ में 1.5 लीटर के GDI पेट्रोल इंजन को भाई शो कर दिया है, और भाई कह दिया कि भाई पहली बार ये जो इंजन है वो भाई आप सभी लोगों को टाटा के हैरियर और सफारी पर देखने को मिलेगी, मतलब गाइस जल्द ही टाटा के सफारी और हैरियर पेट्रोल इंजन के साथ में भी आने वाली। तो गाइस आप कौन सी कार के साथ में जाएंगे और भाई कौन से इंजन के साथ में जाएंगे, पेट्रोल के साथ में या फिर डीजल के साथ में और सफारी के साथ में, या फिर जाएंगे आप हैरियर के साथ में, जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही कमाल के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।